जिला मुख्यालय के नजदीकी रावल गांव में पूरन सिंह ने अपने भतीजे मनोज सिंह के दोनों पैरों में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के 112 नंबर में ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर उप निरीक्षक भुवन सिंह पुलिस टीम लेकर मौके पर पहुंचे। मनोज सिंह और पूरन सिंह दोनों को पुलिस जिला मुख्यालय ले आई। मनोज सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर पूरन सिंह ने बताया कि मनोज सिंह शराब पीकर लोगों के घरों में घुसता रहता था। ये जो है 3 बार मेरे घर का ताला तोड़ के मेरे घर के सामान सब लूट के बेच देता है। ये अभी भी एक गैस सिलेंडर लाया था, वो भी बेच दिया। तो ये रात में भी इसका भय बना रहता है, कब किसी कमरे में घुस जाइए। गांव में भी 2-3 के घरों में घुस जाता है। और इसका ये है कि शराब पी के इसको शिकाया, उसके घर में चले जाओ, उसको ऐसा कहना करके ये उसके घर में घुस जाता है, वो ऐसा बोल देता है। और जहाँ भी हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे गांव वाले हैं, वो वहाँ जाके भले ही यहाँ उधम सिंह नगर में हो या दिल्ली में हो या यहाँ हो पिथौरगढ़ में, ये उनके घरों में घुस करके और उनसे जो है कि ये ऐड करके पैसे ले लेता है। ये मेरे कमरे में घुस गया, घुस करके जो है कि मेरे नीचे से, जबकि मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज कर रखी है, ये इसके कागजात तैयार हैं, मैंने बना रखे हैं। तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हमने कहा कि सुधर जाए तो ठीक ही है, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है। ये मैंने SDM साहब को भी दे रखा है इसके बारे में लिखित में, ठीक है। नहीं रुको, 2 मिनट, SDM साहब को भी दे रखा है और ये प्रधान को दे रखा है मैंने ये रिपोर्ट इनकी। पहले इसमें कार्रवाई न होने से रात दिन जीने ही नहीं दे रहा। फिर इसमें ऐसा हुआ कि ताकि गाँव वाले भी, हमारे बाहर वाले भी सुखी रह करके ये अपने घर में बैठा रहेगा करके, तब जाके इसके पैर में हमने थोड़ा सा गाँव वो किया है। सोमवार को वह उसके घर में घुस आया और उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगा। अपने बचाव में उन्होंने कुल्हाड़ी से मनोज सिंह के पैरों में प्रहार कर दिया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।